सो हाई एंड टू दिसोड विद मी आर शी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप टेन एम बी ए कॉलेजेस टू एम एच एम एच सी ई टी दैट इज महाराष्ट्र सी ई टी राइट एंड आई थिंक लास्ट के दो सालों से काउंसिलिंग काफ़ी लेट थी बट अभी इस साल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं अब इस एग्ज़ैम की खासियत क्या है मतलब कॉलेज पे तो हम डेफिनेटली आएंगे ये एग्जाम जो है सबसे पहले आधे से ज्यादा बच्चा जेबीआरएस मुंबई के लिए देता है रीजन महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में नहीं बच्चा तो देता ही है बट ऑल इंडिया क्योंकि यहाँ पे 15 परसेंट सीट ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती है स्टेट काउंसिलिंग वाले कॉलेजेस है जो मुंबई एंड पुणे यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेजेस है कहीं ना कहीं ऑल इंडिया का बच्चा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है राइट और भी बहुत सारी चीजों में बात करेंगे कॉलेज पे बात करेंगे इंफॉर्मेशन पूरी मिलने वाली है यह पूरा वीडियो जरूर देखना एंड लेट्स गिट स्टार्ट होप यू गाइज डूइंग गुड बिकॉज आई एम डूइंगिटी सुपर एंड कॉलेज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला था ना दो बच्चे थे थे एक महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स और एक ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अब उनमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स उनमें भी हैं एक वो स्टूडेंट जिनका बजट कम है वो बहुत ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेट्स से किसी कैटेगरी के हैं तो वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अपने कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए इस एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं और ये बच्चा बहुत ज़्यादा है देन दूसरे वो बच्चे होते हैं जो महाराष्ट्र के हैं या फिर ऑल इंडिया के हैं उनका बजट तो है पर क्योंकि उनको अच्छे कॉलेजेस चाहिए जैसे जे बी आई एम एस जैसे कॉलेजेस टारगेट करने रहते हैं तो वो इस एग्जाम को देते हैं तो उनके लिए कॉलेज सिलेक्शन एक दूसरा उनके लिए कॉलेजेस अलग होंगे और महाराष्ट्र जो बच्चे कम बजट वाले देख रहे हैं, उनके लिए अलग होंगे. मैं दोनों जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई जो कि सीओ फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है और इसका रीजन क्या है कि यार इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे तो ट्वेंटी सेवन लैक एट आई मीन कई सारे आई एम से ऊपर आता है ये कॉलेज ज अच्छी चीज क्या है कोई वैट नहीं होता कोई पी आई नहीं होता कोई जी डी नहीं होता तुमने महाराष्ट्र सिटी में नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन स्कोर किया तुम इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो मेरे पैकेज भी छब्बीस लाख का है सेवेंटी वन परसेंट के पास वर्क एक्सपीरियंस है और ट्वेंटी नाइन परसेंट जो है दैट इज फ्रेश और अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे नोटेबल एलुमनाएं मिल जाएंगे जब नलाल बजाज नहीं मिलता है तो फिर हमारे पास आता है सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिसको हम सिमश्री के नाम से जानते हैं इसकी फीस जो है ना वो डेढ़ लाख

इंडिया में बच्चा जानता है क्योंकि ये पीजीडीएम भी कराता है पर बहुत सारे कॉलेज के केजी सुमाया हो गया डालमिया था लिस्ट में बट उन्होंने अपने एमएमएस बंद कर दिए वेलिंग ने अपना MMS बंद नहीं किया है वो अभी भी एम कराता है एंड इसी वजह से ये थर्ड पोजीशन पे आता है अगर हम इसके एवरेज पैकेज की बात करें तो इनका एमएमएस का एवरेज पैकेज जो है वो नौ दस ये मेंशन करते हैं बट अगर हम देखें द फीस आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से आर ओ आई देर कर सकते हैं कई बच्चे जेबी आई एम एसुरी के बाद पुम्बा को कंसिडर करते हैं राइट क्योंकि वो गवर्नमेंट है उसकी फीस कम है पुम्बा के कंपैरिजन वेलिंगर की फीस थोड़ी ज्यादा है बिकॉज ये प्राइवेट कॉलेज है जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है तो अगेन आप अगर ऑल in इंडिया के भी हो आपको मिल रहा है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं ठीक है एंड आई थिंक या दैट्स विनिंग इन मुंबई देन लिस्ट में है पुम्बा पुणे विच इज़ अफिलिएटेड टू सावित्री भाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी मुंबई में एमएमएस होता है पुणे में एमबीए होता है और ये कॉलेज भी आर के लिए काफ़ी नोन है अगर आप एवरेज देखेंगे एट लाख टेन थाउजेंड का है मतलब सात आठ लाख का एवरेज पैकेज और फीस वन पॉइंट फोर लाख और इन सभी कॉलेज में टी कोटा भी होता है पर वो कोटा सिर्फ सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए होता है और वो सीट्स बहुत कम होती हैं आपका इनकम सर्टिफिकेट एंड परसेंटाइज के बेसिस पे कहीं ना कहीं सीट मिल रही होती है अब यहां तक ये जो चार कॉलेजेस हैं ये महाराष्ट्र का बच्चा भी देख सकता है ये बच्चा ऑल इंडिया का भी बच्चा देख सकता है मैं फिर कह रही हूं अगर आप ऑल इंडिया के हैं तो अब आने वाले जो कॉलेजेस हैं राइट वो कट ऑफ वाइज तो ऑब्वियसली टॉप कॉलेजेस जैसे एस .E आई अगर आप इसका कट ऑफ देखेंगे इन सभी कॉलेजेस का कट ऑफ नाइनटी प्लस जाता है पर अगर आप एवरेज पैकेज देखेंगे आठ लाख क्लेम कर रहे हैं बट एवरेज इज नियर अबाउट सिक्स पॉइंट फाइव सेवन राइट तो उस इसमें में यू नो

अगर एस आई एस में बच्चे को एम एम एस नहीं मिल रहा है तो वो पीजीडीएम के लिए चला जाता है तो उसका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा है पीजीडीएम की आई थिंक फीस आठ साढ़े आठ लाख है तो देर इज समथिंग बट यू नीड टू सी कि मुझे पीजीडीएम के लिए वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए राइट या एमएमएस के लिए ऑबसली आपका बजट कम है आप देख रहे हो आप महाराष्ट्र के आप बिल्कुल देख सकते हैं बहुत सारा बच्चा देखता है बट अगर आप ऑल इंडिया के हो तो अगेन कॉलेजेस जो है वो वेरी करेंगे बिकॉज होता क्या है ना कि करिकुलम राइट यू नो थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट आपकी यू नो पर्सनालिटी का ये जो है वो फाइनल इन्वेस्टमेंट है जो बच्चा करता है और पैसे कंपनी आपको देने वाली है तो स्कॉलर सोच समझ के लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है आपको मेरी कहीं पर भी हेल्प चाहिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म पे है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं तो दैट मीन एस आई ई एस मुंबई देन जेवियस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च मुंबई ये सब अगर आप इन सभी के कट ऑफ नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन ऐसे कट ऑफ जाते हैं हम जनरल कैटेगरी के लिए बात करें बट अगर आप एवरेज देखोगे पांच छह लाख का एवरेज पैकेज है तो ऑब्वियसली जो ऑल इंडिया वाला बच्चा है उसको देखना है कि क्या इससे बेहतर ऑप्शंस उसकी लिस्ट में है या नहीं है बिकॉज इनमें से कई सारे कॉलेजेस जो हैं दे ऑल्सो ऑफर पीजीडीएम कॉलेजेस प्रोफाइल टू प्रोफाइल स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन वेरी करता है लेट्स से किसी कॉलेज ने अपने एवरेज पैकेज छह लाख लिख रखा है तो हो सकता है उसका फाइनेंस का पांच लाख भी हो उसका एच का तीन लाख भी हो तो अगर आप एमएस में दो ढाई लाख फीस दे रहे हो तो वो चार लाख पांच लाख बुरा नहीं है बट अगर आप पीजीडी में आठ लाख दे रहे हो तो आपको सोचने की जरूरत है देन एमिटी मुंबई है मुंबई एजुकेशनल ट्रस्ट बैंड्रा में ये कॉलेज है अगर हम इसके एवरेज पैकेज की बात करें 7.5 ये भी पीजीडीएम भी कराता है ये पीजीपीएम भी कराता है और एमएमएस भी कराता है एमएमएस के लिए तो इन सभी कॉलेजेस के कट ऑफ ज्यादा जाते हैं बिकॉज जितना भी बच्चा महाराष्ट्र का देखता है वो टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में ये कॉलेजेस क्योंकि इनके कट ऑफ सबसे ज्यादा होते हैं तो पहली प्रायोरिटी इनको रखता है बट अगेन अगर आप ऑल इंडिया वाले बच्चे हो आप पीजीडीएम देख रहे हो तो आपको देखना है कि इससे बेहतर ऑप्शन क्या आपके पास अवेलेबल है क्योंकि ये महाराष्ट्र जेबी को जेबी आई जे एम एस को सिमश्री को वेलिकर को पुम्बा को पूरे इंडिया में बच्चे जानते हैं बट ये सारे कॉलेजेस थोड़ा सा महाराष्ट्र में बच्चे ज्यादा जानते हैं आउट ऑफ महाराष्ट्र देखना पड़ेगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए फॉर दी अदर कोर्सेज देन उसके बाद आई एस मुंबई है राइट अगर इसका एवरेज पैकेज देखेंगे सिक्स पॉइंट फाइव का है कट ऑफ सभी के नाइनटी एट नाइनटी नाइन है फॉर दी एमएमएस प्रोग्राम बट पीजेडीएम भी कराते हैं पीजीडीएम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए क्या दूसरे ऑप्शंस हैं कौन सी स्पेशलाइजेशन मैं ले रहा हूँ क्या मुझे आरओआई मिलेगा आरओआई नहीं भी मिलेगा तो क्या मुझे फैकल्टीज तो करिकुलम वैसा मिलेगा आप बच्चों से बात करो उनके जो वो पढ़ रहे हैं कोई हेल्प चाहिए तो नीचे एक फॉर्म का लिंक भी दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं एंड देन चेतना है चेतना भी अगेन यू नो एवरेज छः लाख का है ज़्यादातर कॉलेज चेतना हो गया या फिर एम e. हो गया ये काफ़ी पॉश लोकेशन मुंबई में लोकेटेड है बट ओवरऑल हर चीज़ हर चीज़ का एक पैरामीटर होता है करिकुलम करिकुलम के बाद प्लेसमेंट्स प्लेसमेंट्स के बाद